नमस्ते जी, आज कैसा लग रहा हूँ मैं? पाँव जैसा नहीं दिख रहा हूँ। हेलो, पाँव जैसा हो गया। कुछ सरप्राइज है आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी। और सरप्राइज ये है कि हमें मिला है YouTube प्ले बटन। YouTube प्ले बटन 100K में, YouTube से प्ले बटन। आई एम रियली रियली हैप्पी। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे दर्शन व्लॉग्स फैमिली के लिए है ये प्ले बटन। Good morning guys, Tanshi Delay se wari faithful namaste, this is your Darshan Thamang and once again welcome back to my YouTube channel Darshan Vlogs। So guys, hamesha ki tarah aaj ka bhi matlab vlog ka shuruaat karte hai, beautiful mausam and black tea। So guys, mausam aaj bhi kharab hai, aap dekh sakte hai, barish nahi ho raha hai lekin full of kohra hi kohra, charo taraf kohra hi kohra hai। Black tea। गाइस, मम्मी के फूल में भवरे आ रहा है, भवरे भवरे, ये है भवरे। ओए भवरे, मम्मी का फूल खिल रहा है इसीलिए दूर दूर से भवरे आके इसका रस निकाल के ले जा रहे। तो चलिए गाइस, अभी नीचे चलते हैं और आज का दिन का शुरुआत करते हैं। मम्मी जी नमस्ते, क्या कर रहे हो? गुड मॉर्निंग, व्हाट्स मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट में क्या है आज? पास्ता बनाऊंगा। पास्ता? क्या कर रहे हो आप सुबह सुबह? डाले खोर्सानी, प्याज, टमाटर, भिंडी और लहसुन। तो गाइस, कल तो इतना ज्यादा बोरिंग हुआ था ना, मतलब दिन भर सुबह से लेकर शाम तक बारिश हुआ यार। और आज भी मौसम अच्छा तो नहीं, लेकिन शुक्र है बारिश नहीं हो रहा है। देखिए इतना ऐसा है, अभी कोहरा ही कोहरा पूरा। क्या करे, क्या करे मम्मी जी, जानदा लागे पानी आउँदैन नि त, पानी चाहिँ आउँदैन होला भने। सबसे पहिले प्याज। वेलकम टु मम्मीज किचन, संगीतास किचन। संगीता दिस इज संगीता किचन, दर्शन मम किचन। मम्मी चाहिँ विशेष सिक्दैछु कुकको, कुकको चेना खोल्नु पऱ्यो। खोल गयो, म अलिअलि हर्दी त हालेको छु। गुड मॉर्निंग अश्विनी, डैडी जी क्या कर रहे हैं? ओ गाइस, ये देखिए हमारा छेसम हो रहा है रेडी। और एक्चुअली पिछले बार मैंने यहाँ पर कलरिंग किया था, लेकिन वेदर के कारण से अभी सूखा नहीं है ना दिन, इसलिए कलर अच्छा नहीं टिका यहाँ पर। लेकिन फिर से इसको सेकेंड कोट करेंगे तब जाके अच्छा होगा। थोड़ा सा साफ़ करके मैं इसको फिर से कलर करूँगा। अभी डैड यहाँ पर उसको साफ़ कर रहा है। और गाइस ऐसा है, यहाँ पर भी मैं यहाँ पर सिल्वर कलर लगाऊँगा। और ये जो ड्रैगन है ना, इसमें अच्छा कलरिंग करना है। ये चिमनी के लिए हम लोग ने ऑर्डर दिया था, तो सुजीत दादा ने यहाँ पर बनाया है। इसको पॉलिश करके बहुत अच्छा बनाया। देखिए लेकिन गाइस, ये ना छेसम में कलर करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना सारा छोटे छोटे ऐसे बारीक से करना है। बहुत ध्यान देके पूरा टाइम लेके करना है, शायद एक दिन पूरा और ज़्यादा भी लग सकता है, दो तीन दिन भी लग सकते हैं। देखिए क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है और बहुत ही छोटा छोटा है ना, यहाँ पर इसके अंदर जाके भी करना है तो ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो अभी के लिए डैडी जी साफ़ करें, बाद में जाके मैं इसको कलरिंग कर दूँगा। हो गए मम्मी जी रेडी? और गाइस, कल मुझे एक सरप्राइज मिला, अश्विनी ने मुझे कुछ दिया है सरप्राइज में, और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा बाद में। तो जो कल वाले वीडियो में जो बना रहे थे ना अश्विनी, कुछ बना रहे थे, तो उसमें उन्होंने कुछ बनाया है, तो बहुत ही अच्छा बनाया, मैं दिखाऊंगा आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट। ओके, तो तब तक के लिए जस्ट सबर करना गाइस। ये सोया सॉस। ओके, मम्मी जी का पास्ता हुआ है रेडी, हो रहा है आपका नाश्ता। आपका नाश्ता पास्ता। मम्मी जी का स्पेशल डिश पास्ता अच्छा हो गया। नाश्ता रेडी हो गया डैडी जी, आज का नाश्ता है पास्ता। ठीक है,
पास्ता वास्ता आज का नाश्ता पास्ता खाने को लगी से छिटे करी हाल काम कुरा देखिए हम लोगों का नाश्ता रेडी हो गया और मेगा अभी भी ब्रश कर रहा है उठ के और वो भी हाथ में फोन क्या जमाना है यार ये देख सकते हैं ये क्या है आप बताइए ये है हमारे पहाड़ी टोपी और ये स्पेशली हिमाचल वाला टोपी है ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है और ये हमारे बहना ने हमारे कज़न बहन है जो कि हिमाचल में रहती थी और रिसेंटली हिमाचल से दार्जिलिंग आई थी ना तो मैंने एक्चुअली ये दादी जी के लिए लेके आया था लेकिन मैं अभी इसको पहनने वाला हूँ ठीक है आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसा लगेगा जस्ट वेट जैसे पवनदीप पहनते हैं ना हमारे इंडियन आइडल फाइनलिस्ट मतलब इंडियन आइडल के विनर पवनदीप राजन वैसा ही वाला टोपी है हिमाचल वाला देखिए गाइस नमस्ते हिमाचल में क्या बोलते हैं नमस्ते को मैंने देखा था कुछ याद नहीं यार हिमाचल में क्या बोलते हैं नमस्ते को पता नहीं नमस्ते जी आज कैसा लग रहा हूँ मैं पवनदीप जैसा नहीं दिख रहा हूँ हिमाचल वाला टोपी पहन के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी हिमाचल पहुंच गया हूँ और टोपी वोपी पहन के हेलो पवनदीप जैसा हो गया टर्जन भाई कैसा लग रहा हूँ अच्छा बहुत अच्छा टर्जन भाई भी आज बहुत दिन के बाद में ब्लॉग में और स्पेशली पास्ता वाला नाश्ता में आए अच्छा लग रहा है यहाँ का जो स्पेशली दार्जिलिंग का जो पहाड़ी टोपी है वो अलग होता है जो नेपाली हम लोग नेपाली ट्रेडिशनल नेपाली कल्चर को फॉलो करते हैं तो यहाँ का जो सारा मतलब स्टाइल का टोपी है लेकिन बहुत सारे ट्राइबल्स है तो हर एक कम्युनिटी का डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल ड्रेस है तो इट वेराइटीज है बहुत सारे वेराइटीज और ये अभी हिमाचली टोपी पहन के बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे जो तामंग का टोपी होता है ना ऐसा ही कुछ ऐसा ही डिजाइन का होता है तो सेम ऐसा ही टाइप का है तो अभी चलिए नाश्ता शुरू करते हैं अश्विनी किधर गई अश्विनी का नाश्ता अश्विनी चिटाओ चीसो भाई मतलब भोका के खाए मत गाइस आज का नाश्ता इसका नाश्ता है पास्ता का रेसिपी कैसे हो गया कमेंट में बता देना दामी भयो दामी दामी भयो हैन गाइस हाय सा आउ नानी चम्ची देऊ न मला ये त नाश्ता इज लुकिंग सो डिलीशियस थैंक यू कैसा लगा पास्ता मीठो मीठो मेगा नहीं खाओगी पास्ता घर में क्या था पास्ता छोला ओ कुछ सॉस हाल ठीक है लाजवाब मेरा स्पेशल वाला दही भी है आज खाना कति को स्वादिष्ट भाई उसको था क्या जिप्रो जिप्रो पड़ा इसे सीक्ना भो भेन डालीजी डल्ले मलाई त आइटम जेसु भयो डल्ले खोर्सानी चाहिँ हुनै पर्छ ड्याडको तिखा बहुत पसन्द है अलि लाम्चे लाम्चे भाउँदैन डल्ले नै चाहिन्छ ब्रेकफास्ट हो गयो कम्प्लिट फर्स्ट माइली उल्टा बेटा खोलेछ फर्स्ट माइली फर्स्ट माइली सेकेन्ड मे थर्ड म त ढिलो बाबा थापेको त ए मैले तीन पल्ट बाबाको सेकेन्ड ये देखिए बर्फी और बर्फी का नया प्लेट भी आ गया ये फर्स्ट टाइम खरीद के ला ला बर्फी कितना है बर्फी को ले क्या हुआ तेरा वादा हाँ बर्फी ये ले और गाइस देखिए मौसम और लैला मजनू भी इंजॉय कर रहा है मतलब ठंडा ठंडा मौसम ओ बर्फी और ऐसे मौसम शायद हिमाचल में भी ऐसा ही मौसम होता होगा हिमाचल तो मैं कभी नहीं गया हूँ लेकिन हिमाचली टोपी पहनने का मौका मिला है ऐसा लग रहा है कि मैं अभी हिमाचल में हूँ तो चलिए नीचे चलते हैं
गुड मॉर्निंग मामा जी। बस क्या है हा? ये क्या है? अबे मैं आप बिक्री करके आया। आप छाओ बाबा की रेडी लग रहा आपका धंधा जाओ कर दो यार अब रेडी टीबी सीबी लग रहा जाओ सिंगड़ी से आप लेके आया ठीक है ना। गर्मी वाला बच्चा है तो फिर मैं गांव में घुमा के बिक्री करता हूँ ठीक है। पैसा भी दे दिया देखो आपका मेरा है आपका पैसा दो आप 3 किलो आप लोग और गाइस देखिए मम्मी जी का इतना सारा बर्तन हो गया। मम्मी जी देखिए ठीक है। ओके गाइस मैं अभी आप लोगों को कुछ वैरायटीज ऑफ टोपी दिखाने वाला हूँ और जो और जो ये वाला टोपी मैंने पहना है ये है हिमाचल वाला टोपी जो कि हमारे कजन सिस्टर ने हिमाचल से लाके हमारे डैड को दिया था लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इसे पहन रहा हूँ। और इसके बाद में है ये दो टोपी और ये वाला जो टोपी देख रहे हैं ना ये है हमारे नेपाली टोपी हम ये ढाका इस ये जो डिज़ाइन वाला कपड़ा है ना हम इसको बोलते हैं ढाका। तो ये ढाका टोपी पहाड़ी टोपी नेपाली टोपी जो भी कह सकते हैं आप। और ये हमारे ट्राइबल्स के जैसे कि आप लोगों को पता है मैं तामंग हूँ तो तामंग कम्युनिटी में ऐसा वाला टोपी पहनते हैं स्पेशली ये लड़की वाला है लड़का वाला भी ऐसा ही होता है सेम एग्जैक्टली तो कुछ हिमाचली टोपी जैसा ही दिखता है ना तो मैं इसको पहनने वाला हूँ अभी ठीक है तो पहन के दिखाऊँगा आपको। अभी मैं तामंग टोपी पहनूँगा तो हिमाचल में मैंने अभी सर्च किया था हिमाचल में नमस्ते कैसे कहते हैं जया जया तो पता नहीं ये सही है या गलत तो मुझे तो ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला यूट्यूब में मतलब गूगल में तो हिमाचल में बहुत सारे वैरायटीज ऑफ लैंग्वेजेस है ना तो शायद होगा जया जया एवरीवन। तो अभी मैं पहनूंगा हमारे तामंग टोपी ठीक है। तो गाइस ये थोड़ा सा छोटा है मेरे सर पर लेकिन अच्छा है देखिए ये है तामंग टोपी और तामंग लैंग्वेज में हम नमस्ते बोलते हैं फैफुलो यानी और या फिर फैफुला फैफुला सेंग फैफुला आगी फैफुलो नमस्ते। तो अभी दूसरा टोपी ट्राई करेंगे ये है हमारे नेपाली टोपी तो इसको पहन के देखेंगे ठीक है। तो कैसा लग रहा हूँ मैं तामंग टोपी में ज़रा कमेंट करके बता देना आप लोगों को कौन सा वाला टोपी पसंद आया ज़रा कमेंट करके बता देना है गाइस। तो गाइस ये कुछ इस तरह से दिखता है और ये हम स्पेशली दौरा सुराल बोल के एक ड्रेस होता है दौरा सुराल तो उसके साथ ये टोपी पहना जाता है और मैं अभी इसे ऐसे ही पहन रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा है ना ये भी बहुत ही अच्छा है मुझे अच्छा लगता है ये वाला टोपी नेपाली टोपी है तो नेपाली में बोलते हैं नमस्ते नमस्कार। तो गाइस कमेंट करके बता देना मतलब कौन सा वाला टोपी अच्छा लगा है जरा मैं मम्मी को भी दिखाता हूँ कि नेपाली टोपी में कैसा लग रहा है। मम्मी देखिए मम्मी जी ने फिर से मुर्गियों के लिए चारों बना रहे हैं और मुझे कैसा लग रहा है इसे नेपाली टोपी में दामी सॉन्ग दे रहा है वो सॉन्ग दे रहा है मेरे टोपी सिरै मासु आउने गीत छ नि मेरे टोपी सिरै मासु आउने। और गाइज कुछ सरप्राइज है आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी और सरप्राइज ये है कि गाइज अभी मेरा 40K हुआ है और 40K सब्सक्राइबर्स में हमें मिला है यूट्यूब प्ले बटन। तो क्या आप सोच सकते हैं क्योंकि यूट्यूब प्ले बटन तो सिर्फ 100K में ही मिलता है लेकिन मुझे मिला है 40K सब्सक्राइबर्स में यूट्यूब प्ले बटन। और ये है हमारा यूट्यूब प्ले बटन जो कि बना है अश्विनी ने तो कल वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा उन्होंने मतलब अश्विनी स्टार्ट कर रहे थे कुछ बनाना तो उन्होंने ये अपने हाथों से बनाया और यहाँ पर लिखा है हमारे यूट्यूब चैनल का मोटो दर्शन ब्लॉग्स का मोटो है स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस और यहाँ पर यूट्यूब का प्ले बटन और यहाँ पर है दर्शन ब्लॉग्स वाह व्हाट अ अमेजिंग डिज़ाइन थैंक यू फॉर दिस यूनिक प्ले बटन शायद ऐसा प्ले बटन किसी भी यूट्यूबर को नहीं मिला है तो मुझे मिला है तो आई एम रियली रियली हैप्पी। मम्मी इज अश्विनी ले बना के देखिए मम्मी जी अश्विनी ने बनाया कैसा है दर्शन ब्लॉग्स हैप्पीनेस दर्शन ब्लॉग्स ये डैडी जी कैसा हुआ है ये कोले बनाया अश्विनी यूट्यूब प्ले बटन 100K में YouTube 100K में YouTube से प्ले बटन मिलेगा लेकिन उससे पहले 40K में अश्विनी ने दे दिया 41K आई एम रियली रियली हैप्पी और
ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे दर्शन ब्लॉग्स फैमिली के लिए है ये, फैमिली के लिए है। और स्पेशली क्रेडिट गोस टू हमारे बहन अश्विनी, थैंक यू सो मच इतना अच्छा बनाने के लिए। कितना टाइम लगा आपको? ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, कल स्टार्ट किया था, कल ही मतलब शाम तक ख़त्म करके मुझे रूम पे मिला ये। और मैं सोच रहा था कि कल ही कि आप लोगों के कब मैं शेयर करूँ। देखिए बहुत ही अच्छा है, और ये मैं अपने रूम पे लगाऊंगा। ठीक है, थैंक यू अश्विनी सो मच। बीइंग अ यूट्यूबर ये सारे मतलब चीज़ें हम लोगों का खुशी है। और मैं आप लोगों को एक रिवाइंड करना चाहता हूँ। आप लोगों को पता है शायद बहुत पहले हमारे दीदी करिश्मा नाना ने भी हमारे लिए कुछ टी शर्ट डिज़ाइन किए थे, ये इनके हाथों ने बनाए थे, मतलब हाथों से बनाए थे। और ये भी यूट्यूब प्ले बटन वाला टी शर्ट है, आप देख सकते हैं दर्शन ब्लॉग्स लिखा हुआ। और ये भी बहुत ही अच्छा है, ये देखिए ऐसा वाला है। शायद जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन लोगों को पता है ये वाला कहानी। अगर आप लोग नए हैं तो ये वाला व्लॉग्स नहीं देखा है, ये टी शर्ट वाला व्लॉग, तो ऊपर मैं आई बटन मैं दे रहा हूँ, या फिर आप डिस्क्रिप्शन लिंक में भी जाके चेक कर सकते हैं वीडियो। तो गाइस वीडियो जरूर चेक करना, बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है दादी जी। आपको ये पता है नाना ने बनाया था ना बहुत पहले, पहला बना क्या नाना ने दर्शन ब्लॉग्स? करिश्मा ने बना, करिश्मा ने बनाया। देखिए और अभी मिला है अश्विनी से, तो वो बहनों से बहुत सारा प्यार मिल रहा है यूट्यूब को, करिश्मा दर्शन ब्लॉग्स को। अश्विनी ले देखो ये ओपनिंग को, यो टिके को था यो बना को नाना ले दही बना दी थी। ओके गाइज कुछ सेटअप मैंने यहाँ पर रख दिया है, देखिए ये है। और अभी आप लोगों के सामने मैं फ्लूट बजा के सुनाने वाला हूँ। और कल वाले ब्लॉग में मैंने आपको गिटार सुनाया था, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैं म्यूज़िक में टच में नहीं था, और थोड़ा बहुत मतलब अच्छा तो नहीं बजाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के सामने कि मैं अच्छा बजाऊँ। और कुछ गलती हो तो माफ़ कर देना गाइस। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी मौसम बारिश हो रहा है, और ऐसे बारिश के मौसम में बाहर जाके व्लॉग नहीं बना सकते, इसलिए आप लोगों को मैं कुछ एंटरटेन करने के लिए म्यूज़िक बजा के सुनाने वाला हूँ, और फ्लूट। ठीक है, तो मैंने कुछ जुगाड़ किया है यहाँ पर, देखिए स्टैंड बनाने के एक दो तीन चेयर यहाँ पर रख दिया, और यहाँ पर मैं अभी कैमरा रखूँगा विद करेक्ट। ओके तो पहले एक पहाड़ी फ्लूट म्यूज़िक बजाते हैं, उसके बाद एंड देन हिमाचल टोपी पहन के Thank you.
सो थैंक यू सो मच गाइस, उतना अच्छा तो नहीं था लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैंने किया, एंटरटेन किया, और आई होप आप लोगों को थोड़ा सा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज का वीडियो में ऐसा ही गाइस, देखिए बारिश हो रहा है, मौसम ख़राब है, इसलिए मैं आप लोगों को ऐसे ही वीडियोज़ बना के शेयर कर रहा हूँ। तो आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। तो गाइस आप लोगों को पता ही, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलती है आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए दर्शन व्लॉग्स। जस्ट एंजॉय योर लाइफ, बी हैप्पी, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस गाइस। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू सून। अगले वीडियो में और भी मजेदार वीडियो बना के आऊंगा, ठीक है। बाय, तब तक जस्ट एंजॉय योर लाइफ, बी हैप्पी, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस। बाय, सी यू, 1 2 3।